नमस्ते एवरीबॉडी, आई एम इन औरंगाबाद और गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले मॉन्यूमेंट्स को ओपन करने का एक डिसीजन लिया. सो आई थॉट मेरे एक टिक मार्क रह गया था अजंता नरोरा का, तो क्यों ना उस टिक मार्क को मैं पूरा करूं. सो हियर आई एम इन औरंगाबाद. तो कल हमने अजंता का टूर किया एंड बहुत रोड ख़राब थी. टुक अस अराउंड 3.5 आवर्स टू रीच देयर. सो टूरिज्म मिनिस्टर, टूरिज्म इंडस्ट्री, अगर आप सुन रहे हो तो इफ़ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट. बट दैट्स नॉट दी स्टोरी. द स्टोरी इज बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ. एक एक्सपीरियंस था कि एक शुरुआत जब होती है तो क्या होता है, एक नई बिगनिंग होती है तो उसकी एनर्जी लेवल्स क्या होती हैं, एक नई बिगनिंग होती है तो उससे क्या मोमेंटम आता है, उसका एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ. तो कल मैं ड्राइव कर रहा था टूवर्ड्स अजंता, तो मेरे बगल में गाइड थे जिनको हमने यहाँ से लिया औरंगाबाद से. इज़ अ गवर्नमेंट लाइसेंस गाइड, विवेक नाम है उनका. तो उनको एक फ़ोन आया, हम चले करीब सुबह 8 बजे, तो एक फ़ोन आया और फ़ोन में शायद कॉलर ने, और मैं बगल में बैठा था तो शायद कॉलर की आवाज़ मुझे सुनाई दी, कि कॉलर ने पूछा कि तू कुठा है, तू किधर है. तो ये बोलते हैं उसको कि मैं अजंता जा रहा हूँ और मेरे साथ गेस्ट हैं. और जैसे उन्होंने बोला मेरे साथ गेस्ट हैं, तो विवेक उनकी मूछें भी हैं, तो उनकी मूछें जरा एकदम ऐसा ताव आया और चेहरे पे ग्लो आया. एंड तो जो कॉलर था वो भी कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा, फिर बोला हो का. एंड एक वाव का एक फ्लेवर था उस कॉलर के आवाज़ में भी. एंड इन्होंने जब फ़ोन रखा तो मुझे देख के बोले कि 250 दिन में यह पहला मेरा टूर है और आप मेरे पहले गेस्ट हो. और तभी फिर शायद उनके सर्किट में बात फैल गई कि विवेक को टूर मिला है, तो बहुत से फ़ोन उनको आने लगे. और उन्होंने कहा कि ये 250 दिन का मेरा पहली कमाई है. तो जितनी एक्साइटमेंट थी वो बताने में, शायद उतना दर्द भी था कि पिछले 250 दिन में कुछ काम नहीं था. तो वो मुझे फील हुआ, एहसास हुआ. एंड आई वॉज ब्लैंक फॉर सम टाइम कि कैसा रहा होगा कि 250 दिन काम नहीं, 250 दिन घर में कोई इनकम नहीं. और जिस चीज़ को आप, जिस चीज़ से आप मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, जिस चीज़ के लिए आप उठते हो सुबह, आपके पास 250 दिन तक उठने के लिए कोई कारण नहीं. तो ऐसी सोच से हम लोग पहुँचे अजंता. एंड वहाँ जब हम गए तो सारे ASI के स्टाफ मेंबर्स, ऑफिशियल्स, सब उनको जानते थे. सब बड़े खुश उनको देख के कि सर आप आए हो, विवेक सर, और वेरी हैप्पी टू सी यू. एक तो दूर से बोला सर वी लव यू. तो हम लोग एकदम ऐसे आश्चर्य में थे कि कैसे ये लोग वेट कर रहे होंगे इतने सालों, इतने महीनों से कि कोई तो आए. दुकानें खुली, शॉपकीपर्स याद कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स को बिजनेस मिला. तो मेरा कहने का तात्पर्य इस वीडियो के थ्रू ये है कि इकनॉमी तभी मूव होगी जब कुछ हलचल होगी, जब कुछ लोग बाहर निकलेंगे, जब कुछ पैसा खर्च होगा. तो टूरिज़्म तो एक बिजनेस का, एक इकनॉमी का एक पार्ट है. तो टूरिज़्म के होने से अगर इतनी हलचल हो सकती है, इमेजिन करिए कि और बाकी बिजनेसेस में अगर ऐसा हलचल चालू हो गई, जो हो रही है काफ़ी हद तक, लेकिन कुछ हैं सेक्टर्स जो नहीं हो रही हैं. तो आइए मिलकर इकनॉमी को बढ़ाते हैं, देश के डोमेस्टिक टूरिज़्म को बढ़ाते हैं. थोड़ा निकलिए बाहर, ऑफकोर्स सेफ्टी है, प्रिकॉशंस हैं, बट उसके साथ जो है ये एक सोच कि जब तक हम नहीं बाहर निकलेंगे, जब तक हम नहीं खर्चा करेंगे, तब तक देश की इकनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी. तो ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ विद माई स्मॉल ट्रैवल टू अजंता. एंड अजंता देखिए, जाइए एलोरा जाइए, ये आई थिंक दे आर अंडर सोल्ड. मेरा एक नेक्स्ट वीडियो भी निकलेगा अबाउट माई विजिट टू दीज टू प्लेसेस, और इसमें क्या करना चाहिए, बेसिक्स क्या, डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, आई विल टेल इन नेक्स्ट वीडियो. बट एज ऑफ नाउ आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर. एंड मैं कुछ छोटे तरीके से इन अ स्मॉल वे आई कुड ऐड ऑन टू दिस मूविंग ऑफ द व्हील ऑफ टूरिज्म, ऐसा मुझे लग रहा है. एंड आई फेल्ट ग्रेट अबाउट इट. Bye for now.